ये है विक्रम लैंडर से संपर्क करने का वैज्ञानिक तरीका। इस तरह लैंडर से संपर्क करेगा इसरो। नमस्कार। भारत के महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्रामों में से एक चंद्रयान 2 में के सफल या असफल होने के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 7 सितंबर की रात से अब तक देश और दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि इसरो का जल्द से जल्द विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो लगातार लैंडर से कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक उससे संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इसरो पृथ्वी से इतनी दूर स्थित लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिश कैसे कर रहा है। आज हम आपको इसी सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की चंद्र पर सटीक लोकेशन का पता लगा लिया है और इसरो की वैज्ञानिक टीम लगातार उससे संपर्क की कोशिश कर रही है। पृथ्वी से दूर स्थित किसी ग्रह पर मौजूद किसी भी मिशन से संपर्क के लिए विशेष फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है ताकि उससे बिना रुकावट के कम्युनिकेट किया जा सके। विक्रम लैंडर के लिए भी एक विशेष फ्रीक्वेंसी सेट की गई है जिसके द्वारा इसरो उसे समय समय पर कमांड भेज रहा है। इस तरह के कमांड को भेजने दूसरे ग्रह पर स्थित मिशन द्वारा उसे प्रोसेस करने और बाद में उसे रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए विक्रम को एक एक करके अलग अलग कमांड भेजे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक लैंडर की तरफ से किसी भी कमांड का रिप्लाई नहीं आया है। इस काम के लिए इसरो ने कर्नाटक में एक विशेष एंटीना भी लगाया है जो इसरो के बेंगलुरु स्पेस सेंटर से जुड़ा हुआ है। विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क के लिए उसमें 3 ट्रांसपोर्टर और एक एंटीना लगा है। ये सारे सिस्टम मिलकर पृथ्वी पर स्थित स्पेस सेंटर से लैंडर का संपर्क स्थापित करते हैं। इन सभी पत्रों को ऊर्जा देने के लिए लैंडर में बैटरी और सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। अगर विक्रम लैंडर के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम सही हैं और उनके लिए बैटरी या सोलर पैनल पर्याप्त ऊर्जा को जनरेट कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसरो का लैंडर से संपर्क हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।